हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ वैशाली और आज हम बनाएंगे तंदूरी चाय जो कि बहुत फेमस है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मिल्क लिया है, 1½ टेबल स्पून चाय पाउडर लिया है, 1½ टेबल स्पून शुगर लिया है, 1/2 इंच अदरक लिया है और 3 इलायची, जिसे हल्का सा क्रश कर ले। तो गैस पे मैंने एक टोप चढ़ा दिया है जिस पे हम चाय बनाएंगे। तो जो दूध हमने लिया था वो इस टोप में हम गर्म करने के लिए डाल देते हैं। इसी दूध में हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक हम दूसरी गैस ऑन कर देते हैं और उस पे हम ये बर्तन गर्म करने के लिए रख देंगे। तो इस तरह का बर्तन मार्केट में आसानी से मिल जाता है मिट्टी का, तो आप इसको 10-20 रुपए में मिलता है, ये लेके आइए। तो हम इसे अब गर्म करने के लिए दूसरी गैस पे रख देते हैं। तो इस तरह से मैंने गैस पे रख दिया है और इसे गर्म होने देते हैं, तब तक हम चाय बनाते हैं। दूध हल्का सा गर्म हो जाने के बाद हम उसमें बाकी का मटेरियल डालेंगे। चाय बनाते टाइम ये बर्तन हम बीच बीच में ऐसे घुमा घुमा के इसको गर्म करेंगे ताकि वो हर जगह से गर्म हो जाए, हर साइड से। तो यहाँ पे दूध हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम चाय पाउडर डालेंगे, उसके बाद शुगर डालेंगे, इलायची भी डाल देते हैं। ये अदरक को मैंने क्रश कर लिया, ये भी इसमें डाल देते हैं और इसको उबालने देते हैं थोड़ी देर। तो चाय उबल के 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये तैयार है। तो इसको हम छाननी से एक ग्लास में निकाल लेते हैं। इस बर्तन को मैंने पलटी करके रख दिया है, इसको अंदर की साइड से भी अच्छे से गर्म होने दीजिए ताकि हम इसके अंदर चाय डालेंगे तो इसका अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाए चाय में। लास्ट में 2 मिनट के लिए इसको हम तेज आंच पे अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो अब हम एक टोप लेंगे और उसमें ये गर्म किया हुआ बर्तन रख देते हैं और जो चाय हमने छान ली थी उसको अब हम इसमें डाल देते। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको ये पूरी चाय उसमें डाल दी। तो ये चाय बनके रेडी है। अब ये चाय फिर से हमने एक ग्लास में निकाल ली है, अब हम इसको सर्व करेंगे। तो ये चाय बनके यहाँ पे रेडी है, आप इसका मज़ा लीजिए। थैंक यू।